हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे फिफ्थ क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का चौथा चैप्टर नन्ना फनकार। तो इसमें एक बच्चे की कहानी है जो कि 10 साल का है और उसका नाम है केशव दास। तो वो क्या है, छोटा सा फनकार है, कलाकार है। तो वो क्या करता है, एक चौकोर लाल पत्थर के पास आकर बैठता है और जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाता है, अपनी मन में कोई प्रार्थना कर लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, जो उसका छेनी हथौड़ा होता है उसको उठाता है और काम में जुट जाता है। तो कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। तो एक पत्थर था जिस पर उसने घंटियां की कतारें बनाई थी, घंटियां बनाई थी पास पास बहुत सारी। तो फिर उसने क्या किया, इस पत्थर पर जो घंटियां बनाई थी उस पर उसने जो ये आधी बनी हुई घंटियां थी उस पर क्या किया, उसको ये काम पूरा किया, उस पर जो छेनी होती है उसकी नोक टिकाई और बहुत सावधानी के साथ हथौड़े से वो घंटी पर नक्काशी करने लगता है, कलाकारी करने लगता है। तो क्या होता है, हथौड़े के बार से उसका जो कटाव होता है जो पत्थर का, उससे छोटी छोटी जो पत्थर होते हैं इधर उधर बिखर जाते हैं, छितरा माने बिखरना, तो इधर उधर बिखर जाते हैं। तो वो क्या करता है, अपनी आंखें सिकोड़ लेता है ताकि कोई भी पत्थर है उसकी किर्च उसकी आंखों में ना चली जाए। और वो क्या करता है, साथ ही साथ धीमे धीमे गाने गुनगुनाता है, अपना कोई गाना गाता है धीमे धीमे आवाज में। तो उसके चारों तरफ बहुत सारे जो बैठे हुए हैं ऐसे ही काम करने वाले, वो सब अपने काम में ही डूबे हुए हैं। तो ये जो केशव दास है वो 10 साल का था और अभी ये काम सीख रहा था। तो उसने ये काम जो सीख रहा है वो उसका कोई बहुत पुराना काम नहीं है, इसका अभी नया नया काम सीखा है उसने। तो पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरें वाले और घुमावदार डिज़ाइन उकेर सकता था। तो क्या हुआ, जो उसके पिता थे वो भी यही काम करते थे, तो वो पिता को देखता रहता था कि वो पिता उसके कैसे काम करते हैं। तो पिता को देख देख कर उसको सीधी लकीरें बनाना और घुमावदार टेम्बो डिजाइन थे उसको बनाने आ गए थे। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। तो उसने बहुत सारे काम किए थे, अपने डिजाइन बनाता था पत्थरों पर, लेकिन जो ये घंटियों को बनाने का जो काम था उसका सबसे मुश्किल काम था, इसमें बहुत मेहनत लगती थी उसको। तो केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा। तो केशव इतना होशियार था, उसको पता था कि वो ये सारे काम जो हैं, जैसे कि पत्थर पर महीन महीन जालियां बनाना, बेल बूटे हैं, कमल के फूल हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं वो बना सकेगा आगे जाकर, जैसे कि उसके पिता बनाते हैं। तो कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। तो ये बहुत साल पहले की बात है, जब वो पैदा नहीं हुआ था तो उसके जो माता पिता थे तो वो गुजरात में रहते थे पहले, लेकिन वो क्या हुआ, आगरे में आकर बस गए थे। तो बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे। तो जो बादशाह अकबर थे उस टाइम पर, जब वो उनके माता पिता गुजरात से आगरे में आए थे, तो जो बादशाह अकबर थे उस समय आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था। तो जो केशव था उसके पिता ने इस किले में ही काम करना शुरू कर दिया था। केशव था उसका जन्म भी आगरे में ही हुआ था, उसे गुजरात के पुश्तैनी गाँव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। तो ये जो केशव था उसका जो जन्म हुआ था वो आगरे में हुआ था और जो उसका गुजरात में जो उसका पुश्तैनी गांव था, मतलब उसके बाप दादाओं की जो ज़मीन जायदाद थी उसका गांव था, वहाँ पर उसको जाने का मौका कभी नहीं मिला। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। तो उसका जो घर था वो क्या था, जो आगरे की गलियां थी वहीं उसका घर था और ये जो सीकरी थी फतेहपुर सीकरी, वहीं उसका जो घर था वो वहीं पे था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? तो क्या हुआ, बहुत वहाँ पे शोर मच रहा था, छेनी हथौड़े की बहुत आवाज़ें आ रही थी, सभी तरफ काम चल रहा था पत्थरों पर। तो उसको पता ही नहीं चला कि एक व्यक्ति उसके पास में आया और जो उसके कदमों की आहट थी, आहट माने आवाज़ थी, उसको पता ही नहीं चला कि एक आदमी उसके पास में आके खड़ा हो गया। तो कोई आदमी था उसके पास में आया और उसके उसने बहुत उसके जब पास में आया तो उसने एकदम चौंक गया, वो केशव दास था एकदम। तो वो आदमी उससे कहता है, माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। तो उसकी तारीफ करता है कि
तुमने जो घंटियाँ बनाई हैं बहुत सुंदर लग रही हैं देखने में। तो वो पूछते हैं कि तुमने ये घंटियाँ खुद बनाई हैं? तो पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। तो जब उसको ये आवाज़ सुनाई दी कि कोई पूछ रहा है उससे कि तुमने घंटियाँ बनाई हैं खुद, तो उसने पीछे घूम कर देखा तो क्या हुआ, तो उसको एक आदमी दिखाई दिया। तो वो कहता है, हाँ बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं, हाँ वास्तव में जो ये घंटियाँ हैं वो मैंने ही बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया। तो जो व्यक्ति था, जब उसने ये पूछा कि ये घंटियाँ तुमने ही बनाई हैं, तो केशव कहता है कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं ही तो बना रहा हूँ ये घंटियाँ? तो जब तुम देख रहे हो मैं घंटियाँ बना रहा हूँ सामने बैठा हुआ, तो मुझसे एक प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? तो तुमको पता चल जाना चाहिए कि जो मैं ये घंटियाँ बना रहा हूँ कोई और नहीं बना रहा, मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ और ये घंटियाँ बना रहा हूँ। तो केशव ने बहुत ही तलखी से, मतलब बहुत ही बेरुखी से उसको जवाब देते हुए ये बात कही, दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो, वह आदमी हंसते हुए बोला, मैं दस साल का हूँ। तो जब उस आदमी ने कहा कि तुम देखने में तो बहुत छोटे लग रहे हो, तो लगता तो नहीं कि तुम ये जो घंटियाँ बना रखी हैं तुमने बनाई होंगी, तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा। तो जो केशव दास था वो कहता है, मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा, वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला। तो जो व्यक्ति था वो पास वाले पत्थर पर बैठ गया और उसको कहता है केशव दास को, अच्छा तुम 10 साल के हो, तब तो काफ़ी बड़े हो। तो वो कहता है, तुम तो बहुत बड़े हो गए फिर तो, मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। तो जो व्यक्ति था वो कहता है, जब मैं 13 साल का था तो मैंने एक युद्ध में हिस्सा लिया था। तो जो व्यक्ति होता है वो केशव दास के सामने आकर बैठ जाता है। तो जो केशव दास होता है उसको बहुत अच्छी तरह से देखता है, वो देखता है जो व्यक्ति बैठा है उसके सामने उसकी उम्र क्या है, 30 से ऊपर की होगी, उसका कद बीच का है, ना बहुत लंबा है ना बहुत छोटा है, उसने सफ़ेद रंग का अंगरखा पहन रखा है और पजामा पहने हुए है वो व्यक्ति, और उसके बाल लंबे हैं और उसने गहरे लाल रंग की पगड़ी पहनी हुई है। तो देखने में लगता है उसको कि ये बहुत बड़ा आदमी है और उसने गले में बड़े बड़े मोतियों की माला पहनी हुई है, उंगलियों में बहुत सारी अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, उसकी नाक जो है वो तीखी है बहुत, और उसने जो मूछें रखी हुई हैं वो बहुत घनी मूछें हैं जो होठों को ढके हुए हैं, उसकी आँखें बड़ी बड़ी हैं। तो वो केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी क्या हुआ, जो आदमी था उसने नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, एक नक्काशी उसने कर रखी थी वहाँ पर, तो उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसमें अभी काफ़ी काम बाकी है। तो जो केशव दास था वो कुछ कहने ही वाला था कि वो क्या देखता है, महल में से एक आदमी भागता हुआ आ रहा है हाँपते हुए। तो वो कौन था, जो महल का जो पहरेदार होते हैं वो था। तो वो आते ही कहते हैं, हजूर माफ़ करें, मैं आप मुझे पता ही नहीं चला कि आप कब आ गए, आपके आने का पता ही नहीं चला। तो वो जब पीछे देखता है कि केशव दास बैठा हुआ है तो वो एकदम भौचक्का हो जाता है, एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है कि तुम हजूर आला के सामने तुम बैठे कैसे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बैठने की, झुककर इनको सलाम करो। तो अब केशव दास होता है उसका माता ठनका, मतलब उसको एकदम लगा पता नहीं कि उसको समझ में आ गया कि ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसके सामने वो कोई और नहीं है, यहाँ के जो बादशाह अकबर हैं शायद वो ही हैं। तो उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। तो क्या हुआ, उसकी समझ में आ गया कुछ कुछ कि हाँ ये कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं। तो क्या हुआ, बदहवासी में एकदम क्या हुआ, उसकी जो छेनी थी वो हाथ से छूट गई और वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। अरे ये कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं, तो उसने कहा अरे ये कहीं बादशाह अकबर तो नहीं है, ये ख्याल आते है उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातक नज़रों से अकबर को देखने लगा। तो उसने फटाफट क्या किया, उठा और झुककर उसने बादशाह अकबर को सलाम किया और जैसे खरगोश देखता है वैसे ही वो क्या किया, उसने अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की ये दखल अंदाजी जो थी भली ना लगी, जो अकबर थे उनको जो पहरेदार ने बीच में आकर टोक दिया अकबर को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने खींच कर पहरेदार को वहाँ जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो उन्होंने खिसियाते हुए कहा, पहरेदार से खींच कर कहा कि जो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो पहरेदार तो चला गया मगर केशव दास जो था वो असमंजस में था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, दुविधा में था वो बहुत ज़्यादा। तो वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म का इंतजार में खड़ा रहे, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो बैठ के अपना काम शुरू कर दे या अगर बादशाह जो उसको ऑर्डर देते हैं जो उससे कहते हैं वो काम करे उसको, तो ये बात समझ में नहीं आ रही थी। दिल तो उसका अब
अभी भी धक धक कर रहा था, पर मैं डरा हुआ नहीं था क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तो जो बादशाह अकबर थे वो उसको देख के मुस्कुरा रहे थे, इसलिए जो केशव दास था उसका दिल तो धक धक कर रहा था लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है, अकबर ने नरम आवाज़ में पूछा। तो अकबर ने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो केशव उसने नपातुला सा जवाब दिया, उसने बस यही कहा, केशव। केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? तो जो बादशाह अकबर पूछते हैं उससे कि केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना, ये कलाकारी करना सिखा दोगे? तो उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तो जो केशव था उसने हाँ में सिर हिला दिया, उसने कहा हाँ मैं आपको नक्काशी करना सिखा दूंगा, तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भाग गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। तो जब उन्होंने कहा कि हाँ तुम मुझे ये काम सिखा दो, और केशव ने कहा हाँ मैं तुम्हें आपको ये काम सिखा दूंगा, तो वो क्या किया, केशव दास ने फटाफट गया और जो उसके पिताजी का छेनी हथौड़ा था वो लेकर वापस आ गया उनको काम सिखाने के लिए। तो दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है। तो जैसे दोस्त बैठ जाते हैं वैसे जो बादशाह अकबर थे वो उस केशव दास के पास में बैठ गए और एक पत्थर के को खींचते हुए बोले कि अब बताओ कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे काम करना है। तो केशव ने संदेह भरी नज़रों से अकबर की ओर देखा, हजूर क्या आप यह सब करेंगे? तो केशव को बहुत अजीब लगा कि बादशाह अकबर है ये, तो क्या ये सब काम कर पाएंगे? तो पूछता है कि आप ये सब काम करेंगे क्या? तो जो बादशाह अकबर होते हैं वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं करूँगा ये काम, मुझे तो विश्वास है कि मैं ये सीख लूँगा। तो वो कहता है नहीं नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मैं मतलब ये नहीं कहना चाह रहा था कि आप नहीं सीख पाएंगे। तो केशव जो था वो सकपका आ गया एकदम, वो कहता है कि मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं तो आपके हाथों से ये काम करना ठीक नहीं लगता, उसने कुछ अनमने भाव से कहा। तो उसने मतलब बहुत ही बेमन से कहा कि मैं को मतलब मैं सोच रहा था कि आप तो इतने बड़े बादशाह हैं तो आप इतना छोटा काम कैसे कर सकते हैं। तो अकबर हंसकर बोले, अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलियां ढोने से मैं किसी की मदद की थी। तो बादशाह अकबर थे जो वो ये नहीं देखते थे कि वो अकबर बादशाह हैं, वो जिसका भी मन चाहता था उसकी मदद कर देते थे और किसी से भी बातें कर लेते थे। तो वो कहते हैं पिछले हफ्ते तो मैंने क्या किया था, एक की मदद की थी और मैंने मिट्टी से भरी जो डलिया थी उसको मैं उठाकर ले गया था, क्या यह काम उससे भी ज़्यादा मुश्किल है? तो वो कहते हैं जो ये काम है नक्काशी का क्या उससे भी ज़्यादा कठिन है? तो केशव अभी क्या था, वो असमंजस की स्थिति में था, दुविधा में था कि वो क्या कहे क्या नहीं कहे। वह अकबर के पास जाकर बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। तो वो क्या करता है कि अकबर के पास जाकर बैठ जाता है और उनको सिखाने लगता है कि कैसे छेनी पकड़ी जाती है। फिर जैसे ही कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के एक टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। तो केशव को जैसे उसके पिताजी ने सिखाया था कि पहले एक डिज़ाइन बनाई थी पत्थर पर, उसी पत्थर के ऊपर क्या करना था उस पर कलाकारी करनी थी, उसको लाइन उसे छेनी हथौड़े से उसी के ऊपर डिज़ाइन बनानी थी। तो केशव दास उनसे यही कहता है कि आपको इन लकीरों के ऊपर तराशना है। तो अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया। तो अकबर ने क्या किया, जो डिज़ाइन बना रखी थी उसके ऊपर अपनी छेनी रखी और जोर से हथौड़े को मारने लगा उसके ऊपर, तो जिससे क्या हुआ, जो कटिंग थी वो बहुत ज़्यादा गहरी हो गई। तो केशव उससे फटाफट कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं मारना है, इसको जरा धीमे धीमे मारिए, आहिस्ता मतलब बहुत धीमे धीमे मारिए, हौले हौले मारिए। तो वो करके दिखाता है कि देखिए ऐसे मारिए इसको, और अपनी आँखें जो हैं वो थोड़ी मीच के रखना, क्योंकि इससे क्या होता है यहाँ पर जो कटाव होगा इसका पत्थर का, तो इसमें से जो छोटा छोटा पत्थर है वो निकलेगा, वो आपकी आँख में चला जाएगा। तो अकबर मुस्कुराते हुए उसको बच्चे से कहते हैं केशव दास से, जी हजूर। तो वो सिखा रहा था तो उसका मालिक हो गया वो, तो अकबर बहुत अच्छे थे वो उसमें, तो वो कहते हैं मुस्कुराकर जी हजूर, तो जवाब में केशव भी मुस्कुरा देता है। तो भय लगभग भूल ही जाता है कि जो उसके बगल में बैठे हुए हैं वो कौन है, हिंदुस्तान के बादशाह हैं। एक अनारी से व्यस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मज़ा आ रहा था। तो जो केशव दास था उसको बहुत मज़ा आ रहा था कि एक व्यस्क व्यक्ति है, जो इतना बड़े व्यक्ति है उसके सामने बैठे हुए हैं, वो उनके ऊपर रौब जमा रहा है। तो वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि जो बादशाह अकबर हैं किस तरह से जो लकीरें उन्होंने डिज़ाइन बनाई है उसको उसके ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं, लकीरों की जो लकीरों को उकेर रहे थे, मतलब लकीरें बना रहे थे वो पत्थर के ऊपर।
तो बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती थी। जो बादशाह थे उसको अगर जरा सी भी गलती कर देते थे तो केशव था उसकी त्योरियाँ चढ़ जाती थी, उसकी भौहें एकदम ऊपर कर लेता था वो कि ऐसे नहीं करना, कि ऐसे करना ये काम। काम करते करते अकबर पूछ बैठते केशव सही नहीं किया है क्या, तो जो बादशाह अकबर थे वो जब काम कर रहे होते तो वो एकदम पूछने लग जाते थे कि केशव बताओ मैंने जो काम किया है वो क्या सही नहीं किया, मतलब तुम इतने गुस्से में दिखाई दे रहे हो तो मैंने काम सही नहीं किया क्या। तो केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता, तो जो केशव था वो सिर हिलाकर बता देता था कि हाँ आपने ये काम सही नहीं किया है, मैं इस काम से असहमत हूँ, सहमत नहीं हूँ। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। तो जो अकबर थे, बादशाह अकबर थे, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही तसल्ली से बैठ जाते हैं और जो केशव था उसको काम करते हुए देखने लगते हैं। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगत तराश उन्हें बहुत कौतूहल से देख रहे हैं। तो अपने काम में दोनों इतना खोए होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि आसपास भी बहुत से जो ये कलाकारी करने वाले लोग हैं, नक्काशी करने वाले लोग हैं, वो आसपास खड़े हुए हैं, बहुत ही कौतूहल से उनको देख रहे हैं, बहुत आश्चर्यचकित होकर उनको देख रहे हैं। देखो कैसे बादशाह अकबर यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चा उनको कैसे सिखा रहा है। तो अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को ही नहीं तराश रहा था बल्कि अपनी तरफ से भी उसमें कुछ जोड़ रहा था। तो अकबर जो थे उन्होंने गौर किया, उन्होंने देखा ध्यान से कि जो केशव दास है वो क्या कर रहा है, जो पत्थर पर नमूने बने हैं खाली उनको ही नहीं तराश रहा, उन पे ही डिजाइन नहीं बना रहा बल्कि अपनी बुद्धि से भी वो उसमें तरह तरह के डिजाइने उसमें ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है, तो जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, तो जिससे क्या था जो डिजाइन बनाए थे उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव देखना एक दिन तुम बहुत बड़े फनकार बनोगे। तो जब उन्होंने केशव को देखा इतना अच्छा काम करते हुए तो बादशाह अकबर ने कहा कि जो तुम केशव हो तुम एक दिन देखना तुम बहुत बड़े कलाकार बनोगे, फनकार बनोगे, हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। तो बादशाह अकबर उससे कहते हैं कि हो सकता है कि तुम इतने बड़े कलाकार बन जाओ, इतना अच्छा काम करने लग जाओ कि तुम जो मैं कारखाना बनवा रहा हूँ तुम उसमें कारखाने में काम करने लग जाओ। तो जो केशव होता है वो पूछता है कारखाना कैसा कारखाना, तो बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लगें तब मैं कारखाना बनवाऊँगा। तो वो कहता है जो मेरा महल बन रहा है वो तैयार हो जाए और लोग जो हैं आगरे से आकर यहाँ रहने लगें तब मैं एक क्या करूँगा कारखाना बनवाऊँगा, इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। तो वो कहते हैं कि जो ये कारखाना मैं बनवाऊँगा उसमें जो क्या होगा, जो सबसे अच्छे फनकार होंगे, कलाकार होंगे, जिनको बहुत अच्छी नक्काशी करना आती होगी और जो शिल्पकार होंगे वही इसमें काम करेंगे इस कारखाने में। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगत तराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी यहाँ काम करेंगे। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो तरह तरह के काम करेंगे, जैसे गलीचों में के बुनकर होंगे, गलीचे होते हैं उनको बनाने वाले होंगे, कारपेट बनाने वाले होंगे और पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले होंगे, मतलब बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर जो शिल्पकार होंगे यहाँ पर काम करेंगे। तो केशव का जो चेहरा होता है एकदम चमक उठता है, बहुत ही खुश हो जाता है सोचकर कि मैं कारखाने में काम करूँगा। तो वो मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं आपके कारखाने में अवश्य काम करूँगा। तो वो जो बादशाह अकबर हैं वो खड़े हो जाते हैं और जाते जाते जो केशव है उसका बहुत ही प्यार से कंधा थपथपाते हैं और कहते हैं तुम जो ये काम कर रहे हो इस काम को करते रहो। तो जो केशव होता है वो भी बहुत उत्सुकता से पूछता है कि आप दोबारा आएंगे क्या। तो वो कहते हैं हाँ मैं अवश्य आऊँगा। तो वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए थे संग तराश, मतलब साथ में जो तराशने वाले लोग बैठे हुए थे, उसमें क्या होता है केशव की धूम मच जाती है, केशव जो होता है बहुत प्रसिद्ध हो जाता है, फेमस हो जाता है वो वहाँ पे, और चारों तरफ क्या होता है उसकी ही चर्चा हो रही होती है कि देखो उसने कैसे बादशाह अकबर के साथ बात की, और वो भी बहुत मज़े ले लेकर सबको बताता है कि देखो मैंने क्या क्या बातें की बादशाह अकबर के साथ। तो रात तो बहुत हो गई थी और केशव भी बहुत थक गया था पर उसकी आँखों में नींद नहीं थी, उसको वही बातें ध्यान आ रही थी जो उसने बादशाह अकबर के साथ की थी। तो वो क्या करता है धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस जाता है और पिता भी उससे मुस्कुराकर कहते हैं अरे तुम तो अभी से बहुत फेमस हो गए। तो जो बादशाह सलामत ने उसको कहता है बादशाह सलामत ने मुझसे कहा है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। तो जो उसके पिता की बाहें थी वो अपने सिर को टिका लेता है और फिर वो धीरे से बोलता है कि जो बादशाह हैं अकबर, बादशाह अकबर हैं वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं। तो उसके पिता कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो
बादशाह अकबर हैं बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो कुछ सोचता है, फिर पूछता है, बाबा एक बात बताओ, जो बादशाह अकबर हैं उनके पास तो आगरे में एक से एक बहुत अच्छे महल हैं, फिर वो जो सीकरी है वहाँ पर अपना शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो जो पिता होते हैं वो बताना शुरू करते हैं, जो बादशाह अकबर हैं उनके कोई संतान नहीं थी। तो क्या हुआ, वो बहुत परेशान थे और बहुत से साधु संत थे, फ़कीर थे, उनके पास जाते थे वो। तो भटकते भटकते क्या हुआ, वो ख्वाजा सलीम चिश्ती की दरगाह पर पहुंच गए, तो जो सीकरी के पास थी। तो उन्होंने क्या किया, बादशाह को बताया कि आपके एक नहीं बल्कि तीन संतानें होंगी। तो उनके क्या हुआ, तीन संतानें हुई, शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। तो केशव ने क्या कहा, चहकते हुए कहा कि उनके तीन संतानें, मतलब उसको पता था कि हाँ उनके तीन संतानें हैं, तो वो उनके नाम बता देता है। तो जो उसके पिता होते हैं वो कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि उनकी तीन संतानें हुई। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। इसीलिए यही वजह थी कि ख्वाजा जो सलीम चिश्ती के सम्मान में उन्होंने क्या किया था, बादशाह ने सीकरी में नगर बसाने का, शहर बसाने का फैसला किया। तो केशव ने कहा, अच्छा अब समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। तो उसकी समझ में आ जाता है कि बादशाह अकबर जो है वो क्यों उस वहाँ पे सीकरी में शहर बसाना चाहते हैं और उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम क्यों रखा है। तो वो कहते हैं उसके पिता, हाँ इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। तो वो कहते हैं इस यही वजह है कि हम जो नया शहर बनेगा उसके लिए अपने जो पत्थर हैं उनको तराश रहे हैं, उसमें कलाकारी कर रहे हैं जिससे कि जो पत्थर हैं उस शहर में लगाए जाएंगे। तो जो केशव होता है उसको नींद आने लगती है, वो सोते सोते बोलता है, हाँ पिताजी ने देखा कि उसका जो लाडला बेटा है वो सो गया है। तो पिताजी क्या देखते हैं, जो उसका प्यारा सा बेटा है वो अब सो चुका है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ये बताया गया है जो केशव दास है वो कितना अच्छा बच्चा है, वो कितना अच्छी तरह से कलाकारी करता है पत्थरों पर। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए और समझ कर याद कर लीजिए, और आपको अगर समझ में आ गया हो तो हमारे चैनल असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।